हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ गार्नेट क्रिएशंस। देखिए ये छोटे से कान्हा जी, आज मैंने ये कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। तो मैं आपको बताती हूँ ये ड्रेस मैंने कैसे बनाई है। आप घर पर ये ड्रेस को बहुत आसानी से और जल्दी से बना सकते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी आप भी अपने हाथों की बनी हुई ड्रेस कान्हा जी को पहनाइए और उन्हें खूबसूरत से सजाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्रॉकेट का कपड़ा, जिसे हम कहते हैं जरी वाला कपड़ा। ठीक है, ये देखिए ये ब्रॉकेट का कपड़ा है। ये मैंने लिया है 4x13 inches का और ये कपड़ा मैंने लिया है 3x4 inches का। साथ में मैंने ली है लेसेस डिज़ाइनिंग के लिए और इसके अलावा निडल एंड थ्रेड सुई धागा इसको स्टिच करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी कान्हा जी की ड्रेस बन जाती है। तो आइए हम बनाते हैं सुंदर सी कान्हा जी की अट्रैक्टिव सी ड्रेस। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं इसको चारों तरफ से फोल्ड कर ऐसे हम सुई धागे से स्टिच कर लेंगे इसको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको थ्रेड की हेल्प से हम किस तरीके से इसको यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे फोर साइड से चारों तरफ से। तो देखिए इसको इस तरीके से यहाँ से आप पकड़िए और यहाँ से डबल फोल्ड करके आप इसको यहाँ पे अंदर ऐसे कर लेंगे। उसके बाद नेडल और थ्रेड लेके इसको हम स्टिच कर देंगे। अगर आपके पास स्विंग मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास स्विंग मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको स्टिच कर लीजिए और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको एक फिनिशिंग दे इस तरीके से जल्दी। ये आपका इसी तरीके से आप चारों तरफ से इसको पहले अंदर यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद इसका लुक किस तरीके से आएगा। ये देखिए एक तरफ से फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको फोर साइड से फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए चारों तरफ से हमने इसको जब स्टिच कर लिया है तो स्टिच करने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब हमने तो ये तो है इसका लोअर पार्ट, अब हम बनाएंगे ड्रेस के ऊपर के लिए पार्ट। तो ऊपर के लिए जो हमने पार्ट लिया था 3x4 inches का, उसमें अब हम ना यहाँ पर 1 inch स्पेस आगे का छोड़ के बाकी पीछे से यहाँ तक एक कट लगा देंगे। ये इस तरीके से यहाँ लेकर आप इसको पूरा मिडल से एक कट लगा दीजिए। ये इस तरीके से यहाँ तक एक कट दे देंगे। ठीक है, तो ये फिर ऐसे जाएगा कान्हा जी की ड्रेस। तो अब हम इसको पूरा इसको भी हम चारों तरफ से इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे जैसा हमने लोअर पार्ट को किया है। तो चलिए इसको चारों तरफ से स्टिच करते हैं, फिर देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। तो देखिए उसको हमने कट करने के बाद जब चारों तरफ से इसको हमने स्टिच कर दिया है तो इसका शेप इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ वी नेक और ये। तो यहाँ से हम इसको जब ऐसे स्टिच करेंगे ना तो यहाँ पे इनकी नेक का डिज़ाइन आ जाएगा। अब हम नीचे वाला लोअर पार्ट लेते हैं इनका ड्रेस का और उसके यहाँ पर हम एक लेस लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर एक लेस लगा देते हैं। तो चलिए अब हम इस लेस को यहाँ पर अटैच कर देते हैं और अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पर भी डिज़ाइनिंग के लिए लेस लगा सकते हैं। अगर आप चाहें ब्रॉकेट का कपड़ा है तो आप ऐसे भी उसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लेस लगाकर इसको रेडी कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोअर पार्ट पे मैंने इस तरीके से लेस लगा लिया है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से तैयार है। और ये ड्रेस का अपर पार्ट ये वी शेप में और यहाँ पर दोनों तरफ लेस लगा लिए हैं। ठीक है, स्विंग मशीन से भी लगा सकते हैं, हैंड से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे लगा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, लोअर पार्ट में फ्रिल सेट करेंगे इस तरीके से, ऐसे फ्रिल सेट करेंगे। आप इनको ऑल पिन की हेल्प से सिक्योर करते जाइए और फिर यहाँ पर हम प्रेस लगा लेंगे, पहले आयन कर देंगे इसको जिससे कि हमारी प्लेट्स
सेट हो जाएंगी एकदम से, ठीक है। अब प्लेट सेट करने के बाद फिर हमको हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरीके से, ये और ये, ठीक है। फिर यहाँ पे और ये, तो आप इस तरीके से पूरा इसको यहाँ पर अपनी लेस को लगा दीजिए। ये लग गया है, फिर आगे ये लगा दीजिए। आयन करेंगे तो ये पूरी तरीके से सेट हो जाएंगी प्लेट्स ना, तो स्टिचिंग में आसानी हो जाएगी आपको थोड़ी। और क्योंकि हम ऑल पिन से इसको सेट कर रहे हैं तो ड्रेस को सेट करने में आसान रहेगा, स्टिचिंग में आसानी रहेगी। इसी तरीके से आप सारी प्लेट्स बना लीजिए और उसको ऑल पिन से पहले सेट कर लीजिए और फिर आयन कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ इस तरीके से पूरी ड्रेस को सेट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने प्लेट्स बनाई थी और फिर मैंने इसको ऑल पिन से सेट किया था, उसके बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया था, ठीक है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आप प्लेट्स एकदम आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी, ठीक। और उसके बाद मैंने इसको स्टिच करा है और ऑल पिंस को हटा दिया है। अब ये जो इसका अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हम इसको आगे अटैच करेंगे और ये वाला पार्ट जो है फोल्ड करके पीछे अटैच करेंगे। तो चलिए पहले हम इसका ये आगे वाला पार्ट अटैच कर देते हैं और इसको देखते हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम आगे यहाँ पे दोनों को हमने फ्रंट को ऐसे कर दिया है इसको, और यहाँ पर हम इसमें स्टिचेस लगा देंगे। अब ये देखिए इस तरीके से पहले इसको आगे सेट कर लेंगे और बचे हुए पार्ट को फिर हम पीछे सेट कर देंगे। इस तरीके से आप इसको पूरा सेट कर दीजिए। कान्हा जी की ड्रेस का साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे कान्हा जी थोड़े छोटे हैं साइज में, तो मैंने इस तरीके का साइज लिया। अगर आपके कान्हा बड़े हैं तो आप अकॉर्डिंगली साइज में बड़ा क्लोथ लेके कपड़ा लेके उसको आराम से बड़े साइज का बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा या छोटा बनाना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसी रेशो में बढ़ा सकते हैं अपने उसको ड्रेस के साइज को। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो गया है। अब सेम हम इसको यहाँ पर पीछे अटैच कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये आर्म होल्स आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अटैच कर देते हैं, अब हम इसको यहाँ पे पीछे भी अटैच कर देते हैं और फिर देखते हैं हमारी ड्रेस का लुक कैसा है। देखिए इसको हमने जब आगे से कर दिया है और यहाँ से पीछे से ऐसे स्टिच कर दिया है, ठीक है। ये आगे से स्टिच हो गया, यहाँ पीछे से, और इस तरीके से यहाँ पर आर्म होल बन गई, ठीक है। और ये नेक का शेप आ गया है। तो अब आप देखिए कान्हा जी की ड्रेस कुछ इस तरीके से बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे दो स्ट्रिंग लगा देते हैं जिससे कि उनकी ड्रेस को हम आसानी से बांध सकें। तो एक यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लगाऊंगी और एक इधर स्ट्रिंग लगाऊंगी। तो चलिए हम ये स्ट्रिंग और लगा देते हैं और उसके बाद ये हमारी ड्रेस कम्प्लीट हो जाएगी। ये यहाँ पर ऐसे लीजिए और यहाँ पर इसको ऐसे टाक लीजिए। यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दीजिए और जिससे कि आपका ये इस तरीके से पूरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये इसी तरीके से हम दूसरी भी अटैच कर देते हैं और इसको ड्रेस को हम फिर आराम से बांध पाएंगे पीछे से। देखिए दोनों स्ट्रिंग्स लग गई हैं, अब यहाँ पे ड्रेस को हम आसानी से पीछे से बांध सकते हैं, है ना। तो पूरी ड्रेस का लुक अब कुछ इस तरीके से हो गया। देखिए एकदम परफेक्ट लुक आ रहा है, ये देखिए ये पीछे से और यहाँ आगे से। तो इस जन्माष्टमी आप भी बनाइए अपने कान्हा के लिए घर पर ही अपने हाथों से ड्रेस और सजाइए उन्हें। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।